अलैकम स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर मैम राब्या स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर न्यू क्लास टू टॉपिक इज नाउन यू नो नाउन इज़ कार्ड नेमिंग थिंग आर कार्ड नाउन किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है लाइक किसी भी एनिमल का नाम किसी पर्सन का नेम नेम ऑफ एनी प्लेस नेम ऑफ एनी थिंग इस कार्ड नाउ स्टूडेंट्स नाउ लुक एट दिस पिक्चर यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है एक बॉल तो जो बॉल उसका नेम, जो नाम है ना जब हमने इसको देखा तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एक बॉल है तो जो बॉल्ड उसका नाम है ना वो नाउन है ठीक है उसको इस समय उर्दू में कहते हैं और ये नाउन है ठीक है नेक्स्ट पिक्चर आपको एक डॉग की नज़र आ रही है डॉग जो है वो एक नाउन है देन शिप ये भी नाउन है थिंग है ना यहाँ पे आपको एक आंट नज़र आ रही है आंट इंसेकट्स में से आती है तो वो भी उसका नाम भी नाउन है बॉय भी नाउन है कैट भी नाउन है ठीक है इसी तरह से आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो नाउन है जैसे हमारी क्लास में चेयर टेबल बैग फैन वाल बोर्ड डस्टर पेंसिल्स ये सब कुछ है हमारे बेडरूम में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे बेड कबर्ट्स वहाँ पे नाउन टू टाइप्स के होते हैं एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन होते हैं वो किसी का भी नेम हो सकता है लाइक like, आप किसी सिंपल नाम नेम होते हैं जैसे हमारे नेम्स होते हैं जैसे मेरा नेम है राबिया तो बहुत से लोग होंगे जिनका नाम राबिया होगा ठीक है जैसे अली है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम अली है पेंसिल तो है तो पेंसिल है बहुत सी पेंसिल्स होती हैं है ना और अगर बुक्स हैं उसको नहीं स्पेशल किया गया कि कौन सी बुक तो कोई भी हो सकती है बुक ठीक है इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन डी या डी कोई भी हो सकता है और कॉमन uh, नाउन के लिए क्या आपको पता है कि कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर बेटा कॉमन नाउन में हम कोई uh, जो है कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं बहुत से कॉमन नाउन में जैसे राबिया इसमें नाम है तो वहाँ पे कैपिटल uh, लेटर आएगा नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेशल प्लेसेस के लिए स्पेशल थिंग्स के लिए स्पेशल पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं जैसे डेज ऑफ वीक हो गए ठीक है और इनको ज़रूरी होता है कि हम कैपिटल लेटर में लिखें जैसे कायद आज़म हैं तो उसमें क्यों कैपिटल आएगा और कुरान पाक है तो उसमें भी क्यों कैपिटल आएगा स्पेशल बुक है ना तो बेटा आपने नाउन को अच्छे से लर्न करना है और उसके अपने इर्थ की मुख्तलिफ चीज़ों को देख के आइडेंटिफाई भी करना है कि इनमें से कौन सी कॉमन नाउन है और कौन सी प्रॉपर नाउन है ठीक है बेटे अब सो आपकी प्रपरेशनस बहुत अच्छी जा रही होंगी तो अपनी इसी तरह से प्रेपरेशन्स करते रहिए सी अल्लाह हाफिज़